तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू यानी कि कल से नाइट कर्फ्यू पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लगा दी गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से पहले भी कोरोना की दूसरी लहर में भी देखा था कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन धीरे धीरे जब कोरोना के मामले कम हो गए तो नाइट कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी, पाबंदियां हटा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का पूरे भारत में खतरा बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल से यानी कि 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और अगले आदेश तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जगहों पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को देखते हुए पहले से ही पाबंदियां लगा दी गई थी, गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव भी अगले 1 से 2 महीने में होंगे, उसको देखते हुए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि रैलियों को सभाओं को ना करवाया जाए और चुनाव टालने की कोशिश भी की जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से बड़ी बड़ी रैलियों सभाओं में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको देखते हुए तीसरी लहर की भी आशंका बार बार जताई जा रही है। इसीलिए कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये बड़ा और अहम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है।